हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से पेश हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। ये वीडियो है बैंक निफ्टी के किंग घनश्याम टेक यानी घनश्याम यादव जी के बारे में, जो कि एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। पर मैं यहाँ पे सिर्फ एक बिगनर या छोटे ट्रेडर की दृष्टि से, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे वो फीडबैक देते हैं, उस नज़रिए से सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। आप सबको पता है घनश्याम टेक सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेड लेते हैं और बहुत एक्यूरेट लेवल्स देते हैं और बताते हैं कि यहाँ से या तो बहुत फास्ट मूव ऊपर की तरफ आ सकता है या बहुत फास्ट मूव नीचे की तरफ आ सकता है। घनश्याम टेक बोलते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15, 20, 30 पॉइंट बुक नहीं करूंगा। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और रेस्ट पोजिशन को ओपन रखते हैं, मतलब 15-20 पॉइंट में वो एग्जिट कर लेते हैं। उनका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होने के कारण वो क्वांटिटी ज्यादा लगाते हैं और चूंकि उन्हें मार्केट में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो सिर्फ कैंडल्स के बिहेवियर से ट्रेड ले लेते हैं। पर बात क्या है कि लेवल पे कैंडल जो है ब्रेकआउट देगी या ब्रेक डाउन देगी, ये कैंडल का बिहेवियर वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बिगनर ये चीज नहीं पकड़ पाता क्योंकि बिगनर का रिस्क रिवॉर्ड इतना है ही नहीं, इसलिए बिगनर लेवल पे मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा ये जज करना बिगनर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिल्कुल। और उनके बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, आप सबको पता है, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट से बिगनर जो है वो एक्साइट हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है और ट्रेड लेता है और बस थोड़े ही दिन में मार्केट से आउट हो जाता है क्योंकि वो कभी वो एक्यूरेसी ला ही नहीं पाता जो घनश्याम जी के पास है। जब वो लेवल बताते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और ये कहते हैं कि अगर यहाँ टाइम बिता के मार्केट ऊपर गया तो फिर कॉल की ट्रेड है और अगर यहाँ टाइम बिता के मार्केट नीचे गया तो पुट की ट्रेड है, तो रियलिटी में सारा खेल ही यही है, सारा खेल ही एसएल का है और ये खेल कभी बिगनर नहीं समझ पाता बिल्कुल और इसी में ट्रैप हो जाता है। कैंडल एसएल पे बनती है, बिगनर को लालच आता है, कैंडल का विक गिर जाता है, बिगनर ट्रेड लगा चुका होता है और वहीं से मार्केट पलट जाता है। इस तरीके से बिगनर को मार्केट ट्रैप करता है। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी लेवल पे आप किस तरीके से जज कर सकते हैं, कैसे परफेक्शन ला सकते हैं अपने प्राइस एक्शन में कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये ट्रेड कॉल की है या आपको ये समझ में आ जाए कि ये ट्रेड पुट की तरफ जाएगी। इसके लिए मैं पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगी अपने। देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें मैंने कल लाइव मेंटरशिप के दौरान ये बताया था। ये जो आपको ये पर्पल लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो ये पर्पल लाइन दिखाई दे रही है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है मार्केट में। इस पे आपको किस तरीके से सोचना चाहिए कि ये ट्रेड कॉल में जाएगी या फिर ये ट्रेड पुट में जाएगी और कैंडल्स इसमें आपकी किस तरीके से मदद करेंगी, आप किस तरीके से सोच सकते हैं, प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। देखिए मेरे बोलने के थोड़ी देर बाद ही मार्केट इस तरह पुट में आ गया और एसएल मैंने आपको, मैं अभी बताती हूँ, एसएल मैंने जो बताया था बिल्कुल हमारा एसएल नहीं काटा क्योंकि सारा खेल ही एसएल का होता है। देखिए ये वाला पिक्चर देखिए, आप ये देखिए, आपको जहाँ पे ये कर्सर दिखाई दे रहा है मार्केट ने बिल्कुल एसएल नहीं काटा और इस सीन, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये जो विक दिखाई दे रही है ये ऊपर, यही वो ट्रैप है जो मार्केट करता है और जिसे छोटा रिटेलर समझ नहीं पाता। यहाँ पे उसे ये लगता है कि हरी हरी कैंडल्स के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है और अब तो ये कॉल की ट्रेड है और तभी मार्केट ऐसे बैक टू बैक रेड कैंडल्स के साथ नीचे आ जाता है। मैंने ये कैंडल का विक ही क्यों बताया, ये मैंने क्यों नहीं बताया कि यहाँ तक एसएल है, ये मैं आपको बताऊंगी आप इस तरीके से मार्केट में किस तरीके से जज करें। और देखिए ये नेक्स्ट पिक्चर है और हमारे बोलने के बाद 139 पॉइंट्स नीचे गया है मार्केट, आपके सामने है, यानी इसने जो खेल खेला वो स्ट्रांग सपोर्ट पे ही खेला है और सारा खेल इस एसएल का ही है। देखिए सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये पर्पल जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये स्ट्रांग लेवल है या नहीं है। देखिए मार्केट यहाँ पे कितना ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पे मार्केट ने कितना ज्यादा इस लाइन का सपोर्ट लिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है और रिजेक्शन लेवल भी है। और केवल यही लाइन आपको दिखाई दे रही होगी जो कि मार्केट को ऊपर के मार्केट में और नीचे के मार्केट में विभाजित कर रही है, तो इसी वजह से ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रांग सपोर्ट लाइन है और हमारा प्राइस एक्शन यहीं पे हो रहा है, बिल्कुल उसी पे प्राइस एक्शन हो रहा है। और वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं हर चीज चार्ट्स पे बताती हूँ, आप पूरा नहीं देखेंगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी और फिर आप मुझे कहेंगे। देखिए कल 25 मई का चार्ट है आपके सामने, मैं इस प्राइस एक्शन की बात कर रही हूँ, मगर इस प्राइस एक्शन से पहले हम जरा सा चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए प्रीवियस मार्केट है, ये प्रीवियस मार्केट की हाई स्विंग है, उसके बाद क्या हुआ मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया मगर प्राइस अपने आप को ऊपर नहीं बढ़ा सका, प्राइस यहाँ पे एक एम बनाते हुए नीचे गिर गया। और दूसरी बात आप ये देखिए, मैंने अपने वीडियोस में कई बार ये बात बताई है,
कि जब मार्केट पुट में आता है तो इस तरीके से आता है, यानी कि ये पहली स्विंग है और ये दूसरी स्विंग है, ये चीज मैंने कई बार बताई है। तो देखिए इसमें यही हो रहा है, प्राइस अपने आप को ऐसे और फिर ये डाउन कर रहा है, आपको चलते मार्केट में इस तरीके से ये कोने बनते हुए दिख जाएंगे, ये आप मार्केट जब चलता है तब आपको रियलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जाने के मूड में तो है नहीं, इसका मतलब पहली बात तो ये है। फिर मार्केट में SL अगर देखें आप, स्टॉप लॉस हंटिंग की तरह से देखें, जरा सा चार्ट को दूसरे तरीके से देखने की भी कोशिश करें, यहाँ पे कॉल वालों ने अपने स्टॉप लॉसेस क्रिएट करे और मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसने अपनी जो है ये स्विंग गिरा दी, तो क्या होना चाहिए, इसमें M बना दिया, M पैटर्न भी आपको पता है, M बना दिया। M पैटर्न क्या है? M पैटर्न मार्केट के पुट में जाने का एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लगातार एक पुट की रैली दी। अब आप ये देखिए कि मार्केट ने बिल्कुल अपने लेवल पर है, बिल्कुल अपने लेवल पर है, ओके, मतलब मार्केट ने जितने कॉल के स्टॉप लॉसेस थे वो तो खा लिए इस पुट की रैली के साथ। अब मार्केट में कहां स्टॉप लॉस बचते हैं, मार्केट में यही तो स्टॉप लॉस बचते हैं ना, ये वाले। मगर मार्केट ने क्या शुरू कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे कर दिया कंसोलिडेशन शुरू। अब इसका मतलब क्या है, कंसोलिडेट क्यों हो रहे हो भाई, ऊपर स्टॉप लॉसेस है, ऊपर बढ़ो, मगर मार्केट तो ऊपर बढ़ नहीं रहा, ऐसे में आप किस तरीके से ट्रेड लें? तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा दें, अगर इसका टॉप निकल गया, इसका टॉप निकल गया, ओके, तो मार्केट कॉल में जाएगा। इसका टॉप निकल गया से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट जो है इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए गया, तो अगर इस कैंडल को देख के किसी ने सेलिंग करी होगी तो उसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, प्रीवियस स्विंग्स पे लोग SL लगा देते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रही है और इस पे आप सेलिंग कर रहे हैं, तो प्रीवियस स्विंग्स पे मार्केट में लोग SL लगा देते हैं। तो अगर इसके स्टॉप लॉस लेने जाएगा मार्केट, फिर इसके भी लेने जाएगा, और अगर इस पे किसी ने सेलिंग करी होगी तो फिर कहाँ होंगे उसके स्टॉप लॉसेस, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे, तो फिर इनको लेने के लिए जाएगा मार्केट। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर मार्केट इसके स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं गया, और मार्केट ने क्या किया है, देखिए मार्केट ने अपनी स्विंग्स को यहाँ पे भी डाउन किया है, ये पहला स्विंग है और ये बाकी के दूसरे कंसोलिडेशन के स्विंग्स है, मतलब प्राइस जो है डाउन ही हुआ है, प्राइस में ढलाव है, आप इस बात को समझिए। उसके बाद क्या है, इस कंसोलिडेशन के रेक्टेंगल को मार्केट ने तोड़ा और मार्केट जो है वो पुट में आ गया। इस वीडियो पे मेरे लाइक का टारगेट 1000 लाइक्स का है, 1000 लाइक्स हो जाने पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक ना करें, लाइक कीजिए, कृपया से कृपया लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ओरिजिनल कंटेंट ला सकूं और इससे भी बेहतरीन कंटेंट बना सकूं। यही प्राइस एक्शन मार्केट ने यहाँ पे किया है, जो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे बता रही हूँ। तो ये हमारे लिए क्या था, चूंकि मार्केट ने अपने जो स्टॉप लॉसेस थे वो खा लिए, तो ये भी एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल हुआ। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, इस तरीके से हम ट्रेड को जज कर सकते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम ये जज कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आप इसको देखिए, ये थोड़ी सी वैसी ट्रेड है। देखिए मैं आपको इसके बारे में पहले एक और बात बताती हूँ, जब मार्केट बिल्कुल अपना बॉटम बना रहा होता है, जैसे ये पूरे दिन मार्केट चल लिया, चाहे इस तरीके से चले या किसी भी तरीके से चले, ऐसे चल के इस तरीके से चले, कुछ किसी भी पैटर्न से चल रहा हो मार्केट, मगर जब मार्केट अपना बॉटम बनाने लगता है तो आपको तो पता ही है कि बॉटम बनाएगा तो W बनाएगा, ओके, और अगर W भी नहीं बना रहा तो थोड़ा सा इस बात को देखने की कोशिश कीजिए कि एक बेहतरीन सेलिंग आई हुई है मार्केट में, तो क्या ये सेलिंग किसी पैटर्न के बने बगैर मतलब कॉल में जा सकती है, कभी भी नहीं जा सकती। देखिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल्स कम मिलेंगी और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल्स ज्यादा मिलेंगी, मगर कैंडल्स की एक्यूरेसी आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत आराम से मिल जाएगी। देखिए जब मैंने टेलीग्राम पे वीडियो चार्ट डाला था तो यहाँ तक चार्ट था, केवल यहाँ तक का चार्ट था, ये ग्रीन वाली जो रैली है ये नहीं आई थी, और मैंने इस कैंडल के विक को SLQ बताया, जो मेन खेल है। देखिए मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये मैं आपको पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दिखाती हूँ, जिससे कि आपको साफ पता चले, पर फिर भी यहाँ पे आपको ये एक रिजेक्शन कैंडल दिख रही होगी, ये भी एक रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रही होगी। अब मैं आपको ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ, देखिए आपको यहाँ पे ये एक रिजेक्शन कैंडल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल साफ साफ, ओके, इसका मतलब क्या है कि इस रिजेक्शन को कैंडल को देख के किसी ना किसी ने सेलिंग जरूर से जरूर की होगी। अब मैं आपको वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा सा सोचने की कोशिश कीजिए 5 मिनट पे, यहाँ पे आपको एक बेड ऑफ कैंडल्स दिखाई दे रहा है,
यानी कि यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी कैंडल्स का विक यहाँ पे आके टकरा रहा है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो प्राइस को रोक रहा है, इस बात को समझिए। तो अगर यहाँ पे प्राइस इतनी बार रुक रहा है, और आप ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि ये कंसोलिडेशन कितने टाइम का है। देखिए ये हुआ है शुरू 10:05 से लेके 11:15, 1 घंटे का कंसोलिडेशन है ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे ये जो रिजेक्शन लाइन है इसका ब्रेकआउट तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा ही होगा, ओके। मगर अगर ये ब्रेकआउट के बाद कहाँ है लेवल, ब्रेकआउट के बाद लेवल ये है, ये जो है ये लेवल्स हैं, ये लेवल है, ये लेवल है। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जब मार्केट इस तरीके से पुट में आता है और अपना बॉटम बनाता है, तो क्या होता है कि चूंकि मार्केट इतना चल चुका है तो वो कुछ लेवल्स बनाता हुआ आता है, इस तरीके से कुछ लेवल्स बनाता हुआ, तब ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जो करना चाहे। मगर ये लेवल्स बनाता है इस तरीके से मार्केट, जिससे कि अगर वो ऊपर जाए तो एक बार में ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके आपको यहाँ तक के टारगेट दे दे, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे इन लेवल्स पे टकराता टकराता चलेगा, इस तरीके से धीरे धीरे रिटेलर को ट्रैप करता करता चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जब इस लेवल का हमें रिजेक्शन चाहिए और ये लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, इसे मैक्सिमम इसका ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आ जाना चाहिए अगर इसे पुट में जाना है। तो ये SL था इसीलिए कि अगर इससे ऊपर गया, इस लेवल से ऊपर गया, तब तो फिर ये वाले कैंडल के SL भी लेने जाएगा, ये वाले भी SL लेने जाएगा, ये वाले SL भी लेने जाएगा, तब तो ये यहाँ तक की मूव दिखा सकता है, यहाँ तक की मूव दिखा सकता है। और वैसे भी देखिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे, काफी ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचिए, अगर इस तरीके से पुट की ट्रेड आ रही है, लाल लाल कैंडल्स मार्केट डाल रहा है, और तो क्या यहाँ पे सेलर को लालच नहीं आएगा कि भैया आप तो जो है बिल्कुल कोई अथाह ही नहीं है, अब तो नीचे समुंदर है, और मैं जो है इतनी सेलिंग आ जाएगी मार्केट में, पैनिक सेलिंग आ जाएगी। इसीलिए ये जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब हरी हरी कैंडल्स और ये विक के साथ, ये सब पहले जो है लाल आती हैं बिल्कुल, और लास्ट के 2-3 सेकंड में हरी होती हैं और अपना विक उठा लेती हैं ट्रैप करने के लिए। यही होता है मार्केट में, स्टार्टिंग में ये सब कैंडल्स रेड आती हैं, इनसे इन पे न जाने कितनी पुट की पोजीशंस बनती हैं। तो इसीलिए जब इस तरीके के स्ट्रांग रेजिस्टेंस और लेवल टेस्ट होते हैं मार्केट में, तो जरा सा अगर आपने, मान लीजिए आप उन भाग्यशालियों में हैं, मैं आपको कैंडल भी बताती हूँ अभी यहाँ पे, कि अगर आप उन भाग्यशालियों में हैं कि आपने यहाँ से जो है पुट की ट्रेड लगा भी दी है, तो आप जो है यहाँ पे ये जो स्ट्रांग लेवल है इसके, इस पे अपना टारगेट बुक कर लें। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का नहीं है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट है। बैंक निफ्टी में लोग 15-20 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग करते हैं, तो इस पे अपना टारगेट बुक कर लें, क्योंकि इसके बाद मार्केट ट्रैप कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, इस बात को समझिए। आप ये देख लीजिए जरा सा कि भाई यहाँ पे ये ट्रैप करने के बाद अगर ऊपर की ट्रेड पकड़ता है ठीक है, वरना नीचे की ट्रेड पकड़ता है ठीक है। उसे आप कैसे पकड़ेंगे, उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए यहाँ पे एक हायर स्विंग कैंडल ये है, लोअर स्विंग कैंडल ये है। आप यहाँ पे सिंपल सा एक रेक्टेंगल बना लीजिए, इस रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे कॉल गया कॉल, पुट गया पुट। अगर मान लीजिए यहाँ कॉल गया, तो कम से कम, नहीं कम से कम, आपको ये यहाँ तक के टारगेट तो देगा ही कम से कम, ओके। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि यहाँ पे आप ये रेक्टेंगल वाली थ्योरी जज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इस पे काफी ज्यादा रिजेक्शन हो रहा है 1 घंटे से, तो इसका ब्रेकआउट तो मार्केट को देना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये एक सिंपल सी ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट ट्रेड में क्या है, इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कॉल वालों की पोजीशन बनी, अब मार्केट उन्हें ट्रैप करने के लिए पुट में जाएगा, यही मार्केट में हो रहा है। और देखिए एक कैंडल मैंने अपने चैनल पे दे रखी है, डोजी कैंडल, उसका वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, उसे जरूर से जरूर देखिएगा। ये वो डोजी कैंडल है, यहाँ पे मार्केट में इसमें स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं, तो वही हो रहा है। ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल के बनने के साथ ही ये पता चल रहा है कि इसने, देखिए इसका लोअर कटा, तो इसके इससे साफ पता चल रहा है। क्लैरिटी के लिए आप कृपया वीडियो देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, पर मैं यहाँ पे आपको थोड़े से पॉइंट्स बता देती हूँ कि देखिए इसका लो कटा, अब मार्केट को फॉर श्योर पुट में आना है, और मिनिमम आपको यहाँ तक के स्ट्रांग लेवल तक के टारगेट जरूर से जरूर मिलेंगे, ओके। और देखिए यहाँ पे भी आपकी ये डोजी बन रही है, इसे भी मार्केट ने यहाँ पे जो है इसका लोअर काटा। अगर आप मतलब ट्रेड में हैं और अपने प्रॉफिट को बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो एक एक कैंडल से बहुत प्रॉफिट बड़ा होता है,
तो इस डोजी को जब इसके लोअर को काटा मार्केट ने, तो भी आप अपना टारगेट जो है बड़ा कर सकते हैं। ओके, जब मार्केट आपको दिखे यहाँ पे डब्लू बनाता हुआ, तब आप क्या करें, जैसे ये डब्लू बन रहा है, आपको ये दिख रहा है कि अरे मार्केट यहाँ से जो है ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो आप डब्लू के बेस पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाएं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कॉल में जा रहा है, आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, मगर आप एक बार पैसा घर लेके जाएं, ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से आप मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को बहुत आराम से जज कर सकते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है क्या नहीं। तो कैंडल्स का बिहेवियर, कैंडल्स की नॉलेज भी बहुत मैटर करती है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, देखिए ये जो प्राइस एक्शन है, ये मेरी इसमें सोशल स्ट्रैटेजी भी लग रही है। अगर आप सोशल स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो मेरे से टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में आपको फायदा देगी। मार्केट में कंसोलिडेशन तो नहीं आने वाला, ट्रेंड पता कर सकते हैं, कॉल का ट्रेंड है, पुट का ट्रेंड है, आप ये सब बातें उस स्ट्रैटेजी से बहुत आराम से पता कर सकते हैं। सिर्फ टारगेट बुक करना सिखाती है, मगर अगर आपको स्ट्रैटेजी भी नहीं पता है तो भी जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेती हुई कैंडल दिखाई दे रही है, इसका ब्रेकआउट जरूर से जरूर मार्केट में मिलेगा। तो ब्रेकआउट सिर्फ इस लेवल तक ही मिलना चाहिए, इस लेवल तक अगर चला जाएगा मार्केट तो फिर ये प्रीवियस स्टॉप लॉसेस लेने चला जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ऊपर यहाँ पे बताया है। तो ये जो मैं आपको रेक्टेंगल थ्योरी बता रही हूँ, ये ऐसे पॉइंट पे बनाइए जहाँ पे आपको ये पता, यहाँ जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना हो कि भाई अब ऊपर भी स्टॉप लॉसेस हैं या फिर मार्केट नीचे भी स्टॉप लॉसेस हैं या फिर मार्केट नीचे जाएगा स्टॉप लॉसेस क्रिएट करने के लिए। तो ये वो स्टेज थी कि मार्केट ने जो है यहाँ तक के एसएल खा लिए, अब या तो ये ऊपर जा सकता है या फिर इन स्टॉप लॉसेस क्रिएट करने के लिए नीचे जा सकता है। ऐसी स्टेज पे आप इस तरीके के रेक्टेंगल थ्योरी को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं और लेवल्स को आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर आप हमारे फ्री प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है एंजल का और अपस्टॉक का, उसके थ्रू आपको डीमैट खाता खोलना है और हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप से जुड़िए। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे इतनी लंबी वीडियो हम नहीं डाल सकते हैं, तो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में करंट मार्केट के बहुत ज़्यादा डीप इनसाइट्स बताती रहती हूँ। आज आपको मार्केट में क्या सोचना चाहिए था, किस तरीके से चार्ट चलता है, क्या इस यहाँ पर प्राइस एक्शन यूज़ हो रहा है, इस तरीके की लर्निंग अगर आपको चाहिए तो कृपया से कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि लॉन्ग रन में आपको मार्केट में लर्निंग ही जिताएगी, इसलिए मार्केट को पहले सीखिए सीखिए सीखिए। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जिस किसी एक इंसान का कमेंट मुझे पसंद आएगा उसे मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में फ्री ज्वाइन कराऊंगी। तो अगर आप भी मेरे प्रीमियम ग्रुप में फ्री एंट्री चाहते हैं तो कृपया वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, आपका कमेंट मुझे पसंद आएगा तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करूंगी। इसी आशा के साथ, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।